नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। आज कैश बुक चैप्टर से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा इस चैप्टर का स्टार्ट हो चुका है। पिछली वीडियो थ्योरी पोर्शन के लिए थी, आज एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाता हूँ जिससे आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कैश बुक की हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कैश बुक को हमने किस फॉर्मेट में बनाना, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेटर फॉलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेटर फॉलियो, अमाउंट, ये फॉर्मेट आपका कैश बुक का रहेगा। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कैश बुक में हम किस के अकॉर्डिंग एंट्रीज करेंगे, बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट, सो वी हैव टू अप्लाई रूल ऑफ रियल अकाउंट। मीन्स रूल ऑफ रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स व्हेन कैश रिसीव्स वी हैव टू डेबिट दैट ट्रांजेक्शन, एंड व्हेन कैश पेड वी हैव टू क्रेडिट दैट ट्रांजेक्शन। मीन्स ऑल रिसीप्ट्स, जितने भी कैश रिसीप्ट्स होंगे वो डेबिट साइड में कैश बुक के रिकॉर्ड की जाएगी, और जितनी पेमेंट्स होंगी जिससे कैश हमारा गया है उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ गई होंगी कि जो रिसीप्ट्स है, जो कैश आया है वो डेबिट साइड, जो कैश गया है वो क्रेडिट साइड। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, जिन ट्रांजेक्शन से कैश इफेक्ट नहीं होता, कैश आपका ना आउटगो होता है ना इनकम होता है, यानी कि ना तो जाता है ना आता है, उन ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, उन ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में क्या कर देंगे, उनकी जर्नल एंट्री कर देंगे। ठीक है बात, तो आइए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर वन। इलस्ट्रेशन नंबर वन, ये आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक है। ठीक है, बहुत आसान है, आज का पोर्शन आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्योंकि ये बेस है और इसके ऊपर ही आपको आने वाले क्वेश्चंस मिलने वाले। तो पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर वन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले मार्च 1, 2017, 2017 मार्च, इधर भी 2017 मार्च, पहली मार्च को कहता है बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस बिजनेस विद कैश, यानी कि हमने कैपिटल लगाई बिजनेस के अंदर, ये कैश आया तो क्या एंट्री हो जाएगी, टू कैपिटल। क्यों आया कैश, क्योंकि हमने क्या की, कैपिटल लगाई। अमाउंट कितना था इसका, 20,000। ठीक है, जैसे अभी तो हम रफ कर रहे हैं, जब हम किसी बिजनेस अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो हर ट्रांजेक्शन के लिए कोई ना कोई वाउचर होगा, तो उस वाउचर का नंबर, और उसके बाद ही ट्रांजेक्शन को हमने लेजर में ट्रांसफर करना है, तो जिस पेज पे लेजर बुक के जिस पेज पे
आप ट्रांसफर करोगे वो नंबर यहाँ पर पेज नंबर डालना है। यहाँ वो सब फॉर्मेलिटीज नहीं है, हमें क्वेश्चन समझना है, बेसिक समझनी है, तो इसलिए हमने ये कॉलम दोनों खाली छोड़ देते हैं, ये याद रखें। उसके बाद बोट गुड्स फॉर कैश, हमने कैश वस्तुएं खरीदी दो बार। अभी कैश वस्तुएं खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, तो कैश क्या होगा आपका, जाएगा आउटफ्लो होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, परचेज की है बाय परचेजेस अकाउंट 5000, बाय परचेजेस अकाउंट 5000। उसके बाद 5 तारीख को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा है, कैश आया है, तो टू सेल्स अकाउंट 4000। नेक्स्ट इज 10 डेट है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, उधार पर रवि से माल खरीदा। उधार माल खरीदने से ना कैश जाता है ना कैश आता है, सो दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जर्नल में इसकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि। उसके बाद 13 तारीख को पेड टू रवि, रवि को पेमेंट की 13 डेट है, तो बाय रवि 7000 आपने पे किए हैं रवि को। उसके बाद 15 तारीख को कैश सेल्स, सेल की है आपने कैश टू सेल्स, क्योंकि कैश सेल करोगे तो कैश आएगा आपका 8000। उसके बाद है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, 18 तारीख को फर्नीचर खरीदा बाय फर्नीचर 6000 रुपए का आपने खरीदा है। उसके बाद पेड वेजिस 380 रुपए की आपने वेजिस पे की है, कैश गया है, तो बाय वेजिस अकाउंट 380 रुपए। उसके बाद रेंट पे किया 24 तारीख को, कैश गया है, बाय रेंट अकाउंट ये हो जाएगा आपका 400। उसके बाद कमीशन रिसीव हुआ कमीशन आपका, डेट है 26 तारीख, टू कमीशन रिसीव अकाउंट कितना है, ये अमाउंट है 600 रुपए। विड्रो फॉर पर्सनल यूज के लिए हमने क्या किया, अमाउंट निकाल लिया, तो 28 तारीख को बाय ड्रॉइंग, क्योंकि जब हम पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाती है, वो ड्रॉइंग हो जाती है, कितनी 1000 रुपए। उसके नेक्स्ट है 31 तारीख को सैलरी पे, कैश गया है, बाय सैलरी कितनी तारीख है 900 रुपए की सैलरी पे की। अब आपने सभी ट्रांजेक्शन क्या करनी है, पूरी कर ली है, अब इसको आपने टोटलिंग और बैलेंसिंग करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर लीजिए, बीस और 4 24 और 8 32 और 600 आपका हो गया टोटल, यहां इस साइड 32600, इस साइड हो जाएगा 5 7 12 और 6 18 19, 20 380 रुपए टोटल हो जाएगा इस साइड का। लेकिन याद रखे कि दोनों साइड का टोटल आपका
इक्वल आना चाहिए, यानी कि दोनों साइड जब लास्ट में आप ओपन करते हो तो इक्वल आना चाहिए। अब इक्वल कैसे आएगा जी? अब जो साइड ज्यादा है उस साइड में से दूसरी साइड को माइनस करना, ठीक है? यानी कि साइड सबसे ज्यादा अमाउंट है तो 32,600 रुपए, 32,600 रुपए। अब हमने ये जिस चीज के लिए वो हम लिए बनाया है वो निकल के आ रहा है, 32,600 माइनस 20,680, 11,920 रुपए आपका बैलेंस है। यहां से आपको ये भी पता लग रहा है कि इस महीने आपके पास 32,600 आए जिसमें से 20,680 आपने पेमेंट कर दी और बैलेंस आपका कितना बचा? 11,920 रुपए बाय बैलेंस सीली, ठीक है? बाय बैलेंस सीली क्लोज डाउन या कैरिड डाउन, इस बैलेंस को अब हम अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में यहां लिख रहे हैं टू बैलेंस भी, ठीक है बात? तो ध्यान देना 32,600 जो साइड ज्यादा है वो टोटल दोनों तरफ आएगा लास्ट में, और इस बैलेंस सीडी को अप्रैल फर्स्ट 2017 में टू बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा यहाँ पर? 11,920 रुपए नीचे लिख दोगे। तो ये आपकी चैटबुक का फर्स्ट क्वेश्चन था, आपने नेक्स्ट वन क्वेश्चन और सॉल्व कर लेना है, यानी कि आज का होमवर्क आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक करें, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो।